हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं राहुल गौतम आज आपके लेके आया हूं क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी से कंपनी अकाउंट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और आज कराने वाला हूं मैं आपको इलास्ट्रेशन नंबर ट्वेंटी दोनों ही इलास्ट्रेशन रिलेट करते हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस से तो आ जाओ कर लेते हैं हम आज का वीडियो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है आपको देखो पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस समझाया था उसके पहले कॉल्स इन एरियर समझाया था ठीक है तो उसी से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन हैं आज के कर लेते हैं भैया वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलें मैग्नेट मिलता है आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री इसलिए को लाइक करना शेयर करना नहीं भूलेंगे तो पहला क्वेश्चन ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बानी लिमिटेड इशूड टेन थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ टेन ईच पेवल एस ऑन एप्लीकेशन थ्री एप्लीकेशन थ्री फिर क्या लिखा हुआ है ऑन अलॉटमेंट थ्री ठीक है जी अलॉटमेंट पे भी तीन रुपए मांग लेंगे हम ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तीन कॉल में खत्म कर दी उन्होंने कहा नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चार रुपए दस रुपए हो गए द कंपनी रिसीव्ड थर्टी नाइन थाउजेंड एज एप्लीकेशन मनी अब देखो नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़े हैं. कैसे निकालेंगे थर्टी नाइन थाउजेंड एप्लीकेशन मनी है और एप्लीकेशन पे कितना मंगाया था तीन रुपए तो तेरह एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट वॉज मेड इन सब्सक्राइबिंग फॉर फाइव और मोर सी एंड रिफंडेड अमाउंट टू दूपीज थ्री फॉर थ्री थाउजेंड तो देखो थर्टीन थाउजेंड के एप्लीकेशन रिसीव हुए टेन का अलॉटमेंट कर दिया तो बचा हुआ थ्री जो है उसका अमाउंट हमने मल्टीप्लाई बाय थ्री करके नाइन थाउजेंड रुपीस रिफंड कर दिया बैंक से रिफंड कर देंगे ठीक है वन शेयर होल्डर हु अलॉटेड पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विथ अलॉटमेंट मनी मतलब कि इसने क्या कर दिया कॉल्स इन एडवांस टू हंड्रेड शेयर्स पे क्या आ गया टू हंड्रेड शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है चार रुपए का है तो आठ सौ रुपए का क्या हो गया कॉल्स इन एडवांस राइट एंड अनादर शेयर होल्डर डिड नॉट पे डिड नॉट पे मतलब कॉल एन एरियर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन थ्री ऑन हिस्सा फर्स्ट एंड फाइनलेंट मनी पे नहीं किया तो अलॉटमेंट पे कॉल एन एरियर है सब्सिक्वेंटली उसने पे कर दिया तो अलॉटमेंट पे कॉल एन एरियर हो जाएगा कितने रुपए का कितने शेयर उसके पास थ्री हंड्रेड शेयर और अलॉटमेंट कितने रुपए का तीन रुपए का है

जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन जनरल का फॉर्मेट आपको मालूम है डेट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ फॉर्मेट कंप्लीट चलिए ऊपर क्या लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ general entries in the books of in the books of bani limited in the books of bani limited or date particulars lf debit amount and credit amount पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव करने की फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी थ्री सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट ये तो अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नरेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने से थर्टी नाइन थाउजेंड डेबिट एंड थर्टी नाइन थाउजेंड क्रेडिट सेकेंड एंट्री में क्या करना है अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा टेन थाउजेंड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री टेन थाउजेंड शेयर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय थ्री तो कितना हो जाएगा सर थर्टी थाउजेंड क्रेडिट शेयर कैपिटल में और टू बैंक टू बैंक क्या कर रहे हो सर आप भाई टू बैंक अकाउंट में कर रहा हूं रिफंड थ्री थाउजेंड एप्लीकेंट जिनको हम शेयर अलॉट नहीं कर पाए तो थर्टी नाइन थाउजेंड हो गया टोटल मिला के जो कि मेरा शेयर एप्लीकेशन का क्रेडिट था डेबिट हो गया नरेशन क्या शेयर अलॉटेड शेयर अलॉटेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड अब क्या करेंगे अब सर कर लो आप अलॉटमेंट कॉल को ड्यू तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या बनाते हो आप लोग भाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ठीक है टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉटमेंट मनी इज ड्यू कितने से सर अगेन टेन थाउजेंड शेयर्स थे और अलॉटमेंट पे आपने कितने रुपए मांगा था तीन रुपए मांगा था अलॉटमेंट पे तो थर्टी थाउजेंड रुपीज यहां पे आपने डिमांड की है राइट right. आप क्या करेंगे रिसीव करने की एंट्री करेंगे रिसीव करने की एंट्री कर दीजिए क्या हो जाएगी रिसीव करने की एंट्री रिसीव करने की एंट्री होती सर बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हैं एफ एन कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं एफ एन ई बस एंट्री बना देते हैं इसमें सब कुछ है ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ आ जाओ तो सबसे पहले क्या होगा डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स था यस सर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कितने से था मुझे याद है थ्री हंड्रेड शेयर्स पे थ्री रुपीस टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस भी था इसमें तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी ओपन कर लो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आ जाओ तो अमाउंट बताओ सर शेयर अलॉटमेंट में थर्टी थाउजेंड लिख दीजिए आप डिमांडेड था आपने डेबिट किया था इधर कॉल्स इन एडवांस कितना था एट हंड्रेड टू हंड्रेड पे फोर तो एट हंड्रेड कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन नाइन हंड्रेड तो डिफरेंस कहां जाएगा बैंक अकाउंट में कितना आएगा बैंक अकाउंट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड चेक करो कर एक बार डिफरेंस क्योंकि थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड में से माइनस करेंगे नाइन हंड्रेड तो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रिसीव हुआ नरेशन क्या बन जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर थ्री हंड्रेड शेयर्स एंड एडवांस फॉर टू हंड्रेड शेयर्स एट द रेट फोर पर शेयर अब यह तो होगी क्या अलॉटमेंट पे पैसा जो हमने ड्यू किया था उसको रिसीव कर लिया अब शेयर फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से कर लो थर्टी थाउज सॉरी टेन थाउजेंड शेयर है टेन थाउजेंड शेयर हैं और एक शेयर पे चार रुपए की डिमांड करोगे सर आप टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कितने से भाई तो ये हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड और ये भी हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड अब देखो एडजस्टमेंट्स कैसे आएंगे पैसा आएगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में तो कुछ भी नहीं लिखा कि कुछ बचा नहीं, नहीं मिला है सभी आ चुका है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट तू, पैसा कहां से आया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से आएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और याद है कॉल इन एरियर डेबिट किया था कॉल्स इन एरियर का पैसा भी आ गया लिखा था क्वेश्चन में तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी क्रेडिट कर दीजिए आ जाओ तो कॉल्स इन एडवांस में कितना एडजस्ट करना है कॉल्स इन एडवांस एट हंड्रेड रुपीज तो कॉल्स इन एडवांस में एट हंड्रेड रुपीज शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में फोर्टी थाउजेंड कॉल्स इन एरियर में नाइन हंड्रेड तो अभी कितना रिसीव हुआ होगा नाइन थाउजेंड कर दिया मैंने नाइन थाउजेंड कर दिया ओके लास्ट लाइन गई है लास्ट लाइन ले, ले लेंगे अपन फर्स्ट लाइन भी गई है विल टेक इट नाइन हंड्रेड राइट 900 हंड्रेड लो कितना आया होगा बैंक में देखो सर एट हंड्रेड तो आया नहीं है तो फोर्टी माइनस एट हंड्रेड थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड लेकिन नाइन हंड्रेड कॉल्स वाले ने भी एक, एक साथ दे दिया है तो फोर्टी थाउजेंड हंड्रेड रुपीज आपको यहां पर रिसीव होना चाहिए फोर्टी थाउजेंड एंड हंड्रेड रुपीज आपको यहां पर रिसीव होना चाहिए तो एंट्री भी टैली हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विथ अलोंग विथ एरियर रिसीव्ड अलोंग विथ एरिय रिसीव्ड बन गई एंट्री क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये फर्स्ट स्लाइड है इसका भी ले लीजिएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30 इलस्ट्रेशन नंबर 30 आ जाओ पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 के पूछता है ऑन 1st जनवरी 2016 द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीस 3 पर शेयर बिकम ड्यू ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स ओके लिखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन क्रिटिकल है हाँ, क्या लिखा है 4 जनवरी को फर्स्ट कॉल है 3 पर शेयर की ड्यू हो गई है ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स मतलब कि 1 3 3 लाख रुपए से इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कामनी लिमिटेड करण अ होल्डर ऑफ रुपीस ऑफ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी 500 क्या नहीं पे किया जरा देख लेते हैं 500 3 पे नहीं किया 1500 का कॉल सिनेरियो बना दिया भाई ने अर्जुना शेयर होल्डर होल्डिंग वन थाउजेंड शेयर्स वन थाउजेंड शेयर्स पे क्या कर दिया उन्होंने पेड दी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ रूपीज फाइव तो उन्होंने बना दिया कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस ये है अरियर और ये है एडवांस ठीक कैलकुलेशन करते जाओ अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज़ फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ़ द कंपनी देखो एक ही एंट्री पूछ रहा है अमाउंट रिसीव करने की ड्यू करने की एंट्री भी नहीं पूछ रहा है क्या बोल रहा है पास दी नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट जो रिसीव हुआ उसके लिए सब जनरल एंट्री पास करनी है ड्यू करने की एंट्री भी पास नहीं करनी लेकिन कर लो एक बार ड्यू करने की एंट्री क्योंकि अमाउंट वैसे तीन लाख रुपए हमें ड्यू किया है चलो तो ड्यू और रिसीव दोनों एंट्री बना लो जरा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवा रहा हूं मैं तो मुझे क्या चाहिए फॉर्मेट किसका जनरल एंट्री का जिसमें आप हो चुके हो माहिर ये देखो आपका जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट है वो कुछ सेकेंड्स में बन जाना चाहिए आपकी कॉपी में चलो बन गया हाँ सर बन गया फॉर्मेट ऊपर क्या लिखोगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स हैं जनरल एंट्रीज जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है कंपनी का कॉमनी लिमिटेड कामिनी लिमिटेड और ये पे फॉर्मेटिंग भी थोड़ा कंप्लीट करते जाएंगे डेट वेट कुछ लिखा है क्या नहीं लिखा है फर्स्ट जनवरी को तो ड्यू की एंट्री कर लो फर्स्ट जनवरी सिक्सटीन क्या हुई होगी ड्यू की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट थ्री पर शेयर थ्री पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर वन लैख तो तीन लाख रुपए हमने फर्स्ट कॉल पे मांग लिया शेयर होल्डर से थ्री लाख रुपीस ठीक है चलिए अब रिसीव करने की एंट्री कर लो तो रिसीव करने की एंट्री जरा ध्यान से करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है कॉल्स इन एरियर हुआ है यस सर कॉल्स इन एरियर हुआ है एक शेयर होल्डर ने कॉल्स इन एरियर किया था तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी डेबिट होता है क्योंकि पैसे नहीं मिले टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर सॉरी फाइनल नहीं है फर्स्ट कॉल है ओनली टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस से है टू कॉल्स इन एडवांस टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट तो सर देखो कॉल्स इन एरियल अभी मैंने आपको बताया कितना है कॉल्स एन एरिया देखो इधर कैलकुलेट किया था फिफ्टीन हंड्रेड कॉल्स इन एरियस में डाल दो फिफ्टीन हंड्रेड ठीक, फर्स्ट कॉल में कितना मांगा था थ्री लाख ,00 रुपीस कॉल्स इन एडवांस में कितना है इधर कैलकुलेट कियाउजेंड रुपीस फाइव थाउजेंड कॉल्स इन एडवांस है। अब जो भी आपकी बैलेंसिंग होगी वो बैंक में आया होगा कितना आया होगा थ्री लाख थ्री थाउजेंड थ्री लाख थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिसिंग फिगर ठीक नरेशन क्या बन जाएगा फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर कितने शेयर्स पे नहीं आया था फाइव हंड्रेड शेयर्स एट द रेट थ्री एंड एडवांस फॉर वन थाउजेंड शेयर्स एट द रेट फाइव नरेश बनाकर एंट्री क्लोज छोटा सा क्वेश्चन था एक ही सिंगल एंट्री पूछा था कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन को चेक करना चाह रहा था हमने बना दिया ले लीजिए स्क्रीन शॉट और यह क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ठीक है जी चलो तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अगर कोई आपको डाउट रह जाए कोई कंफ्यूजन रह जाए कमेंट बॉक्स आपका इंतजार करता है जहां पे जाके आप क्वेरी पूछ सकते हैं उसको भी जवाब दिया जाएगा प्लस मैग्नेट विंस पे आपको मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन यहां पे आप देख सकते हैं क्वालिटी कॉन्टेंट प्रोवाइड किया जाता है नोट्स यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ लिंक मिल जाएगी नोट्स को डाउनलोड किया जा सकता है साथ ही साथ मेरे सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ला रखी है तो सारे वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच